अगली खबर राजस्थान के पाली जिले की है, जहां देसूरी थाना क्षेत्र में स्थित सोनाड़ा खेतलाजी ट्रस्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि दो पूर्व अध्यक्ष गणपत सिंह बलराई गुट बजैन सिंह गतननी गुटों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद देसूरी थाने में घोटाले के दो अलग अलग मामले दर्ज होने के 5 माह बाद भी पुलिस चुप्पी साधे हुए है। गलथनी ने बलराई के खिलाफ करोड़ों के घोटाले का मामला देसूरी थाने में दर्ज करवा रखा है, तो कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य भगाराम चौधरी ने पूर्व अध्यक्ष जयंत सिंह गतननी सहित 7 जनों के खिलाफ 32 लाख रुपए ट्रस्ट के ही सदस्य उमाशंकर मुजरा की फर्म को चेक व ट्रांसफर करने का आरोप लगाते हुए फरवरी माह में मुकदमा दर्ज करवाया था। दोनों पक्षों के मुकदमा दर्ज करवाते ही श्री सोनाड़ा खेतलाजी ट्रस्ट के आधे से ज्यादा सदस्य विवादों में आ गए हैं, जिसके चलते बीते 5 माह में मंदिर का विकास अवरुद्ध हो गया है। जबकि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस व देवस्थान विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के चलते गलथनी गुट द्वारा अब भी लगातार घोटाले किए जा रहे हैं। ट्रस्ट कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य खताराम चौधरी ने बताया कि ट्रस्ट भंग होने के बावजूद देवस्थान विभाग द्वारा नियुक्त रिसीवर जो कि संविदा कर्मी है, उनकी देखरेख में भंडार को खोलकर अब भी घोटाले किए जा रहे हैं। बिना प्रस्ताव लिए मंदिर की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ट्रस्ट देसूरी का है, जबकि खाते पाली जिले के बाहर से संचालित किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य भगाराम चौधरी ने बताया कि उन्होंने फरवरी माह में देसूरी थाने में ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गतलनी सहित 7 जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। चौधरी का आरोप है कि ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सहित 7 आरोपियों से साठगांठ कर ट्रस्ट के सदस्य अकेले मुजरा की फर्म को 32 लाख का भुगतान बिना किसी प्रस्ताव के अवैध रूप से कर दिया गया, जबकि ट्रस्ट के विधान के अनुसार ट्रस्ट का कोई भी सदस्य इस प्रकार का लाभ नहीं ले सकता। बहरहाल करोड़ों के इस घोटाले का मीडिया में उजागर होने व देसूरी थाने में मामला दर्ज होने के 5 माह बाद भी देसूरी पुलिस राजनीतिक दबाव में दोनों मामलों को ठंडे बस्ते में डालकर मामले की जांच एक सहायक उप निरीक्षक को सौंपकर उसे बलि का बकरा बना रही है। जबकि इस प्रकार के करोड़ों की घोटाले की जांच कम से कम IPS अधिकारी से होनी चाहिए।